अब हम बात करेंगे शोधन अभिकर्मकों की, जिसमें कि साबुन और डिटर्जेंट है। तो शोधन अभिकर्मक यानी नाम से स्पष्ट है कि क्लीनिंग एजेंट हैं, साफ़ सफाई में प्रयोग किए जाने वाले जो एजेंट्स होते हैं वो शोधन अभिकर्मक होते हैं। तो यहाँ पर हम दो मुख्य प्रकार से शोधन अभिकर्मकों की बात करेंगे, एक है साबुन और दूसरा है डिटर्जेंट। जो साबुन है वो वास्तव में क्या होते हैं, पहले भी हमने देखा है कि साबुन जो है वो बहुत दीर्घ श्रृंखला वाले, माने बड़ी श्रृंखला वाले, अधिक कार्बन परमाणु जिसका लॉन्ग चेन होता है, तो उसके वसा अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। तो इसके कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं स्टेरिक अम्ल की, या स्टेरिक अम्ल का सोडियम लवण होगा तो C17H35COONa होगा। यदि हम बात करते हैं ओलेइक अम्ल की तो C17H33COONa की। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अलग अलग तरह के जो दीर्घ श्रृंखला वाले वसी अम्ल होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, उनका जो सोडियम पोटेशियम सॉल्ट है वही सोप या साबुन कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सोडियम स्टीयरेट का स्ट्रक्चर है तो C17H35COONa, और सोडियम ओलिएट का स्ट्रक्चर है C17H33COONa। तो यहाँ पर हम जब साबुन की बात करते हैं तो साबुन में हम देख रहे हैं कि उच्चतर वसी अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। तो प्रायः जो साबुन है उसकी भी दो कैटेगरी होती है, कोमल या मृदु साबुन या कठोर साबुन। तो प्रायः जो कोमल साबुन होते हैं उसमें उच्चतर वसी अम्लों के पोटेशियम लवणों का प्रयोग होता है, और जो कठोर साबुन होते हैं उसमें उच्चतर वसी अम्लों के सोडियम लवणों का प्रयोग होता है। अब हम साबुन का जो निर्माण होता है औद्योगिक ढंग से, तो उसके बारे में जानेंगे। तो जब कभी भी साबुन का निर्माण होता है तो ये वसा के साथ होता है, वसा की उपस्थिति में, जहाँ वसा के रूप में ग्लिसरॉल स्टीयरेट, एक उदाहरण हम ले लेते हैं कि यदि ग्लिसरॉल स्टीयरेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड या अन्य कोई क्षार जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको उबाल कर कराया जाता है तो यहाँ पर साबुन प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया को ही साबुनीकरण या सेपोनिफिकेशन कहते हैं। तो इसके रिएक्शन में हम देखते हैं कि जब हम ग्लिसरॉल स्टीयरेट लेते हैं तो उसका जो सूत्र होगा वो इस तरह से CH2COOR CHCOOR CH2COOR। तो जैसे ग्लिसरॉल का फॉर्मूला होता है तो ये उसी का एक एस्टर हो गया, CH2COOR CHCOOR CH2COOR। इस पर हम जब क्रिया कराते हैं यानी ग्लिसरॉल स्टीयरेट की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है ग्लिसरॉल CH2OH CHOH CH2OH, और साथ में तीन अणु प्राप्त होते हैं RCOONa के, यानी जो भी हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल ले रहे हैं, उच्चतर जो भी वसी अम्ल ले रहे हैं उसका जो सोडियम लवण है वही साबुन होता है, तो वही प्राप्त हुआ यहाँ पर 3RCOONa। इसका यदि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे स्टीयरेट का एग्जांपल ले लिए, ग्लिसरॉल स्टीयरेट, तो ग्लिसरॉल स्टीयरेट का जो फॉर्मूला है वो उसी तरह से हम R को उससे रिप्लेस करवा देंगे, तो जैसे CH2COO C17H35 CHCOO C17H35 CH2COO C17H35 प्लस 3NaOH इज इक्वल टू CH2OH CHOH CH2OH, तो ये प्राप्त हुआ ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल के साथ फिर यहाँ पर प्राप्त होगा जो ग्लिसरॉल स्टीयरेट से प्राप्त जो यहाँ पे साबुन है, स्टीयरिक अम्ल का सोडियम लवण, तो C17H35COONa। तो इसके तीन अणु प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब कभी भी क्रिया हुई तो क्रिया होने पर यहाँ पर जल अपघटन की क्रिया के पश्चात जो ये वसी अम्ल है उसके एस्टर जो है वो जल अपघटित होते हैं, और यहाँ पर जो साबुन प्राप्त होता है यह साबुन कोलॉइडी अवस्था में प्राप्त होता है, और यहाँ पर ये पूरा विलयन जो है वो दही के जैसा दिखता है, दही के रूप में ये तैरता रहता है, और इस विलयन में फिर जब साबुन को अवक्षेपित कराना होता है तो इसमें सोडियम क्लोराइड डालते हैं, सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति में ये अवक्षेपित हो जाता है। तो यहाँ पर हमें साबुन अलग करने के बाद जो अन्य जो उत्पाद प्राप्त हुआ वो है ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल को अलग करने के लिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या प्रभाजी आसवन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साबुन के साथ साथ ग्लिसरॉल भी प्राप्त हुआ,
तो साबुन जो है एक बहुत अच्छा शोधन अभिकर्मक है, जैसा हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है, ये शोधन अभिकर्मक होता है और ये जैव निम्नीकृत हो सकता है, इसलिए ये अच्छा भी माना जाता है क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं उनके द्वारा ये आसानी से अपघटित हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि साबुन जो है वो कठोर जल या जो अम्ली जल है उन पे बहुत ज़्यादा क्रियाशील नहीं होता है, ऐसा क्यों? तो साबुन जो है वो कठोर जल में, हम जानते हैं कि कठोर जल में मुख्य रूप से कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड ये सभी होते हैं घुले। तो जब कठोर जल में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन्स है वो प्रेजेंट है, सफ़ेद अवक्षेप बना लेते हैं साबुन के साथ क्रिया करके, तो जब ये साबुन के साथ क्रिया करते हैं, सफ़ेद अवक्षेप बना लेते हैं, तो इसे कहा जाता है साबुन मलफेन या सोप सीकम। तो ये जो सफ़ेद मलफेन बनता है इसकी वजह से जो साबुन की क्रिया होती है वो थोड़ी धीमी हो जाती है और बहुत अधिक साबुन का उपयोग होता है जिससे साबुन की बर्बादी भी होती है। इसी तरह से दूसरी जो एक बात है जिसमें कि अम्ल के बारे में, कि अम्ल के साथ भी या किसी अम्ली विलयन में जिसमें साबुन की क्रिया कराई जाती तो वहाँ भी साबुन जो है वो ठीक तरीके से क्रिया नहीं करता है। इसका कारण ये है कि अम्ली विलयन में अम्ल उपस्थित होता है और ये जो अम्ल होता है वो साबुन में उपस्थित जितने भी मुक्त आयन होते हैं उसको अवक्षेपित कर देता है और ये जो अवक्षेप है वो धीरे धीरे कपड़े के जो रेशे होते हैं उस पर इस तरह से चिपक जाता है। तो जब ये कपड़े के रेशे पर चिपक जाते हैं तो साबुन की जो धुलाई है, जितना साफ़ होना चाहिए कपड़ा उस तरीके से सफाई यहाँ पे नहीं हो पाती है, तो साबुन की जो क्रिया है वो यहाँ पे बहुत धीमी हो जाती है और जितने कपड़े को साफ़ होना चाहिए उस तरीके से सफाई यहाँ पे दिखाई नहीं देती है। जब हम साबुन का उपयोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं तो आप कई तरह से साबुन का प्रयोग करते हैं। कुछ ऐसे साबुन होते हैं जिसका प्रयोग प्रसाधन के रूप में, कॉस्मेटिक सोप के रूप में, कुछ ऐसे साबुन होते हैं जो डिश वॉश के रूप में प्रयोग होते हैं, कुछ ऐसे सोप कैरेक्टरिस्टिक वाले जो होते हैं वो शेविंग क्रीम वगैरह में यूज़ होते हैं। तो ऐसे विभिन्न विभिन्न जो उपयोग हैं जहाँ पर साबुन का प्रयोग किया जाता है, तो जैसा उपयोग है उसी आधार पर उसके मटेरियल को बनाया जाता है। तो जैसा हमने देखा कि जो साबुन है वो वसा और तेल को उपयुक्त जब हाइड्रोक्साइड के साथ उबालकर बनाते हैं, जैसा औद्योगिक विधि में हमने देखा, तो जैसा साबुन होगा, जिस तरीके का उस साबुन का उपयोग होगा, उस उपयोग के आधार पर साबुन बनाते समय कच्चा माल का प्रयोग करते हैं। और जब अलग अलग प्रकार के कच्चा माल का प्रयोग करते हैं तो उपयोग अनुसार हमको अलग अलग प्रकार के साबुन भी प्राप्त हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉस्मेटिक सोप यानी प्रसाधन साबुन की। तो चूँकि प्रसाधन साबुन नाम से स्पष्ट है कि इसका उपयोग स्किन पे होगा, तो निश्चित रूप से इसमें उपयोग में आने वाले जो वसी अम्ल या जो तेल होते हैं, वसा और तेल का प्रयोग जो जब किया जाता है इसमें, वो उत्तम प्रकार की यानी अच्छी क्वालिटी का लिया जाता है। अब यहाँ पे क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराई जाती है, तो क्षार की अधिकता जो है अक्सर देखा जाता है कि ये स्किन को ख़राब कर देती है, स्किन को शुष्क कर देती है। तो यहाँ पर कोशिश ये की जाती है कि जितनी क्षार की अधिकता मिलाई गई है साबुन में, कॉस्मेटिक सोप में, वो क्षार की अधिकता को कम कर दिया जाए या उसे निकाल दिया जाए। और आप देखते भी हैं कि जितने भी कॉस्मेटिक सोप मार्केट में मिलते हैं कितने सुंदर रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम अलग अलग रंग वाले, अलग अलग गंध वाले साबुन को अपने आसपास देखते हैं, तो आवश्यकता अनुसार इसमें उस तरह के रसायन भी मिलाए जाते हैं जो इसको बहुत सुंदर एक रंग देता है और साथ ही बहुत अच्छी एक खुशबू भी देता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि साबुन को आवश्यकता अनुसार उसके कच्चा माल का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। दूसरा जो प्रकार है वो पानी में तैरने वाले साबुन, या इसको हम फ्लोटिंग सोप भी कहते हैं। तो फ्लोटिंग सोप बनाने के लिए ये प्रयास किया जाता है कि साबुन बनाने की विधि तो वही होगी, तो जब इसको बनाया जा रहा है तो इसके कड़े होने से पहले, यानी साबुन जब ठोस अवस्था में आता है उसके पहले, उसके उस सॉल्यूशन में यानी जब वो ठोस बनता है उसी समय उसमें कुछ छोटे छोटे वायु के बुलबुले प्रवेश कराए जाते हैं। इस तरह से वो साबुन जो है वो हल्का हो जाता है और वो फिर पानी में तैरने वाला साबुन बन जाता है।
अब हम बात करेंगे ट्रांसपेरेंट सोप यानी पारदर्शी साबुन की। तो ये जो पारदर्शी साबुन होता है, पारदर्शी साबुन को बनाने के लिए जो साबुन है उसको एथेनॉल में घोला जाता है और फिर किसी भी उपयुक्त विलायक में घोलकर उसको वाष्पित कराया जाता है और इस तरह से इसे बनाते हैं। जो इसका आधार होता है उच्चतर जो भी वसी अम्ल के क्षार के साथ यानी सेपोनिफिकेशन की जो क्रिया है वो सारी रहती है, लेकिन जहाँ जैसी उपयोगिता है उस आधार पर हम नए नए कच्चे पदार्थ को मिलाकर साबुन को बनाते जाते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अब मेडिकेटेड सोप यानी औषध साबुन की। कई बार स्किन में किसी तरह के रैशेस हो जाते हैं या कुछ फोड़े फुंसी हो जाते हैं, तो डॉक्टर जो है वो अलग अलग औषधि युक्त साबुन का प्रयोग करने के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं हमें। तो यहाँ पर जो साबुन प्रयोग किया जाता है, इस तरह के साबुन को हम एंटीसेप्टिक सोप भी कहते हैं। तो आपने पहले ही देखा था कि एंटीसेप्टिक जो सब्सटेंस है उसमें बायोथायोनॉल होता है। बायोथायोनॉल को साबुन में मिलाकर इस तरह के औषधियुक्त साबुन का निर्माण किया जाता है। अब हम बात करेंगे शेविंग सोप यानी दाढ़ी बनाने वाले जो साबुन होते हैं। तो चूँकि यहाँ पर जब हम देख रहे हैं दाढ़ी बनाने वाले साबुन की बात करते हैं, तो ये इस तरह से होना चाहिए कि ये जल्दी से ड्राई ना हो, ये थोड़ा सा गीला बना रहे, और इसलिए इसके अंदर ऐसे साबुनों में थोड़ा ग्लिसरॉल मिला दिया जाता है। तो ये ग्लिसरॉल क्यों मिलाते हैं, इसका कारण ये है कि ये जल्दी सूख ना पाए। शेविंग बनाते समय इस तरह के सोप का प्रयोग किया जाए जो जल्दी सूखे नहीं, तो इस वजह से इस तरह के साबुन बनाते समय इसमें कुछ मात्रा में ग्लिसरॉल भी मिला देते हैं, साथ ही रोजिन नामक जो एक गोंद होता है वो भी इसमें डाला जाता है। तो जब ये रोजिन नामक गोंद डाला जाता है तो ये मिलकर एक लवण बनाता है, सोडियम रोजिनेट। ये जो सोडियम रोजिनेट है इसी वजह से शेविंग क्रीम का जो झाग है वो उत्पन्न होता है। धुलाई के साबुन की बात करेंगे तो ऐसे साबुनों को बनाने के लिए सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स या सोडियम कार्बोनेट, इस तरह के कुछ सप्लीमेंट्स मिलाते हैं। साबुन बनाने की विधि वही होगी, लेकिन इस तरह के कुछ सप्लीमेंट्स मिला करके जो धुलाई वाले साबुन है उसको तैयार किया जाता है। अब एक कुछ अनोखे प्रकार के साबुन की बात करेंगे, साबुन के छीलन यानी खुरचन जैसा साबुन। तो ऐसा साबुन जब बनाया जाता है तो पिघले हुए साबुन की परत जो होती है उसमें ठंडे सिलेंडर पर उसको चढ़ाते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़े में खुरच लिया जाता है। तो इस तरह से वो साबुन की छीलन तैयार हो जाती है। यानी इस प्रकार के साबुन को जब बनाते हैं तो पहले पिघला हुआ साबुन लेते हैं, उसकी जो परत होती है, फिर उसे ठंडा होने से पहले ही थोड़ा थोड़ा उसको खुरच लिया जाता है और इस तरह से साबुन की छीलन तैयार हो जाती है। अब हम बात करेंगे दानेदार साबुन की। तो दानेदार साबुन जो होते हैं वो सूखे हुए छोटे छोटे साबुन के जो बुलबुले होते हैं उस तरह से वो तैयार किए जाते हैं। फिर है साबुन के चूर्ण या मार्जन साबुन। इस प्रकार के साबुन को बनाने के लिए झामक चूर्ण या बारीक रेत जैसे पदार्थ जो है मिलाए जाते हैं, साथ ही इसमें कुछ केमिकल जैसे कि सोडियम कार्बोनेट, ट्राई सोडियम फॉस्फेट, इस तरह के कुछ बिल्डर यानी उसको सपोर्ट करने के लिए डालते हैं, और इस तरह के जो बिल्डर्स हैं उसको मिलाने पर इसकी जो क्रियाशीलता है यानी साबुन के चूर्ण और मार्जन साबुन की जो क्रियाशीलता है वो इस तरह के सप्लीमेंट मिलाने से बढ़ जाती है। साबुन आसानी से जैव निम्नीकृत हो सकते हैं। किसी भी सूक्ष्म जीव की उपस्थिति में साबुन जो है वो आसानी से अपघटित हो सकते हैं। सूक्ष्म जीव इस प्रकार के जो साबुन हैं उसको पूरी तरह से 100% बायोडिग्रेड करके, ऑक्सीकृत करके उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकाल सकते हैं। तो सूक्ष्म जीव जो है साबुन को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रॉपर्टी रखते हैं, और इस प्रकार हम देखते हैं कि जो साबुन है उससे प्रदूषण जो है बहुत ज़्यादा नहीं फैलता है। तो जैसा कि हमने देखा कि साबुन का जो उपयोग है वो कठोर जल में बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है या अम्ली विलयन में बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, क्योंकि कठोर जल में हमने देखा कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। तो कैल्शियम मैग्नीशियम के जो आयन्स होते हैं ये साबुन के साथ क्रिया करते हैं और कैल्शियम मैग्नीशियम जो है साबुन के साथ क्रिया करके सफ़ेद अवक्षेप बना लेते हैं।
तो यहाँ पर हम देखेंगे रिएक्शन को। यदि हम ये मान लेते हैं कि कठोर जल में कैल्शियम का क्लोराइड घुला हुआ है, तो यदि साबुन का प्रयोग किया जाएगा तो एक घुलनशील जो साबुन है वो एक अघुलनशील लवण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से साबुन की जो क्रियाशीलता है चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं रिएक्शन कि 2C17H35COONA, तो ये सोडियम स्टीयरेट है, इसकी क्रिया कठोर जल से कराई गई। कठोर जल में कैल्शियम क्लोराइड घुला हुआ है, तो इस तरह का एक लवण बना जो कि अघुलनशील है, C17H35COO होल ट्वाइस Ca प्लस 2NaCl। तो इस तरह अघुलनशील कैल्शियम स्टीयरेट बना। ये जो अघुलनशील कैल्शियम स्टीयरेट बना ये कपड़ों पर चिपचिपे पदार्थ की तरह चिपक जाता है। तो जब ये कपड़ों पर चिपक जाएगा तो फिर आसानी से साबुन जो है वो कपड़े की सफाई नहीं कर पाता है, उसमें धूल मिट्टी उसी तरह से चिपके रह जाते हैं, या बहुत अधिक जब साबुन लगाते हैं तब जाकर वो कपड़ा साफ होता है। तो इस तरह जो चिपचिपे अवक्षेप कपड़ों के जो रेशे होते हैं उसको कांतिविहीन बना देते हैं, यानी उसकी चमक को धीरे धीरे कम कर देते हैं। तो जो रंगीन कपड़े होते हैं उसके रंग खराब हो सकते हैं। तो इसलिए प्रयास किया जाता है कि साबुन का प्रयोग जो है वो कठोर जल में कम से कम किया जाए, क्योंकि साबुन भी वेस्ट होता है और कपड़े का जो मूल गुण है उसका रंग है वो भी खराब हो सकता है। दूसरा हम रिएक्शन देखेंगे जब अम्लीय विलयन की उपस्थिति में साबुन का प्रयोग किया जाता है। साबुन जो है वो अम्लीय विलयन में भी जो अघुलनशील उच्च वसीय अम्ल है वो बनाते हैं। तो जब वो कपड़ों के रेशे से ये भी चिपक जाते हैं, कपड़ों का जो रंग है वो भी खराब हो सकता है, कपड़ों से गंदगी आसानी से नहीं निकल पाती है, या कपड़ों में लगी हुई जो चिकनाई है वो भी बहुत जल्दी से सफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अधिक मात्रा में जब साबुन लगाएंगे अम्लीय विलयन की उपस्थिति में तभी जाकर वो कपड़ा साफ होता है। तो यहाँ पर हम एक रिएक्शन देखेंगे जहाँ HCl का प्रयोग हुआ है। यदि HCl की उपस्थिति में साबुन का प्रयोग होता है तो किस प्रकार से एक अघुलनशील लवण बना है। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि C17H35COONA यानी एक घुलनशील साबुन का एग्जाम्पल है सोडियम स्टीयरेट, और इस पर क्रिया कराते हैं HCl की, तो बनता है C17H35COOH प्लस NaCl। तो यहाँ पर अघुलनशील जो है वसा अम्ल बना है, स्टेरिक अम्ल बना है। यहाँ पर स्टेरिक अम्ल का सोडियम लवण है, HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ तो स्टेरिक अम्ल बना और सोडियम क्लोराइड जो है वो बाहर निकलता है। यहाँ पर हमने देखा कि जो साबुन है वो कठोर जल में और अम्ली विलयन की उपस्थिति में बहुत अच्छी से क्रिया नहीं कर पाते हैं, साबुन की भी बर्बादी होती है और कपड़ों की चमक भी खत्म होती है। अब हम बात करेंगे संश्लेषित अपमार्जकों की या डिटर्जेंट। तो ये भी एक प्रकार के शोधन अभिकर्मक ही होते हैं। इसमें भी साबुन के समान ही बहुत सारे गुण होते हैं, लेकिन ये वास्तव में साबुन नहीं होते हैं। तो जो डिटर्जेंट शब्द है इसकी जो उत्पत्ति है वो डिटर्जीन लैटिन शब्द है उससे उत्पत्ति हुई है। इसका अर्थ होता है धोकर साफ करना। तो यहाँ पर इस डिटर्जेंट का प्रयोग जो है वो भी शोधन अभिकर्मक यानी क्लीनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है इसका प्रयोग। तो अभी के समय में जितने भी हम डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं इनको हम संश्लेषित अपमार्जक ही कहते हैं, यानी इसको सिंथेटिक डिटर्जेंट यानी इन सबको प्रयोगशाला में बनाया गया है। तो जितने भी सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं वास्तव में ये क्या होते हैं, जैसा हमने साबुन में देखा था कि साबुन उच्चतर वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, तो उसी तरह से डिटर्जेंट क्या होते हैं। तो डिटर्जेंट या संश्लेषित जो डिटर्जेंट कहेंगे, संश्लेषित जो अपमार्जक है वो लंबी श्रृंखला वाले जो एल्काइल प्रतिस्थापित बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होते हैं, लंबी श्रृंखला वाले एलिफेटिक एल्कोहल में H2SO4 के साथ निर्मित कोई एस्टर का सोडियम लवण हो सकता है। तो यहाँ हम दोनों ही संरचनाओं को देखेंगे। पहला, जैसे हमने देखा कि यदि डिटर्जेंट जो है वो एल्काइल प्रतिस्थापित बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण है तो उसका स्ट्रक्चर होगा CH3CH2 होल एक्स है, इसके बाद एक बेंजीन रिंग है और उसके साथ SO3Na जुड़ा है। तो यदि आप SO3Na को OSO2ONA लिखना चाहते हैं या फिर SO3Na यानी SO3 के ऊपर माइनस चार्ज और Na के ऊपर प्लस चार्ज, तो इस तरह का एक
जो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है उसका सोडियम लवण तैयार हुआ, एल्काइल प्रतिस्थापित है ये। यहाँ पर हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखेंगे कि लंबी श्रृंखला युक्त एल्कोहल के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ बना हुआ जो एस्टर है उसका सोडियम लवण, उसकी संरचना को देखेंगे। तो इसमें भी CH3CH2X है और यहाँ O S डबल बॉन्ड, इधर से भी O यानी SO3 ही है और Na+, तो SO3 माइनस और Na+। तो यहाँ पर भी ये एक प्रकार का जो अल्कोहल से बने हुए एस्टर का एक सोडियम लवण हो गया। तो ये दो प्रकार से बन सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस आधार पर डिटर्जेंट को बनाया जाता है। कई डिटर्जेंट में ये वाली संरचना होती है ऊपर वाली, यानी एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का सोडियम लवण होता है, और कुछ ऐसे डिटर्जेंट होते हैं जिसमें कि अल्कोहल से निर्मित एस्टर का जो सोडियम लवण होता है वो होता है। यहाँ पर हमने देखा कि जो साबुन है वो जैव निम्नीकृत आसानी से हो सकते हैं, लेकिन डिटर्जेंट जो है वो आसानी से जैव निम्नीकृत नहीं होते हैं। लेकिन साबुन की अपेक्षा इसमें एक अच्छा गुण होता है कि हमने ये देखा कि साबुन कठोर जल में क्रिया नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो डिटर्जेंट होता है वो आसानी से कठोर जल में या अम्ली विलयन में प्रयोग किया जा सकता है, और इस वजह से इसका जो प्रयोग है वर्तमान समय में बहुत अधिक होता भी है। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम जो लवण होते हैं या कठोर जल में उपस्थित जो कैल्शियम मैग्नीशियम के आयन्स होते हैं वो डिटर्जेंट के कार्य में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। तो संश्लेषित जो डिटर्जेंट होता है वो कठोर जल में भी कार्य कर सकता है और अम्ली विलयन वाले जल में भी कार्य कर सकता है, क्योंकि यहाँ हम ये देखते हैं कि जो कैल्शियम मैग्नीशियम लवण की उपस्थिति में या इन आयन्स की उपस्थिति में ये किसी प्रकार से अवक्षेप नहीं बनाते हैं, जबकि साबुन में हमने देखा था कि कैल्शियम मैग्नीशियम की उपस्थिति में ये अवक्षेपित हो जाते हैं, अघुलनशील लवण में परिवर्तित हो जाते हैं। यहाँ पर इस तरह से नहीं होता है। तो जब हम डिटर्जेंट का वर्गीकरण करते हैं तो डिटर्जेंट जो है वो तीन प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पहला है ऋणायनी डिटर्जेंट, धनायनी डिटर्जेंट, तीसरा है नॉन आयनिक डिटर्जेंट। तो जो ऋणायनी डिटर्जेंट होता है नाम से स्पष्ट है इसमें ऋणावेश होगा, और यहाँ पर देखा गया है कि लंबी श्रृंखला वाले जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं, तो लंबी श्रृंखला वाले प्राथमिक एल्कोहल का सल्फेट व्युत्पन्न होता है, यानी उसका बना हुआ कोई ऐसा लवण होता है जो सल्फेट डेरिवेटिव होता है, और इसमें जो कार्बन परमाणुओं की संख्या है वो लगभग C12 से C18 तक हो सकती है, यानी एक लंबी कार्बन श्रृंखला यहाँ भी देखने को मिलती है, और इतने कार्बन श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन का ये सल्फोनेट लवण होता है। ऋणायनी डिटर्जेंट को जब बनाया जाता है तो दीर्घ श्रृंखला वाले जो अल्कोहल होते हैं उसको सांद्र H2SO4 के साथ अभिक्रिया कराई जाती है, तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, और ये एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट जो बना इसको फिर क्षार से क्रिया कराते हैं। तो इस तरह जब ये क्षार से क्रिया करके उदासीन हो जाते हैं तो बनता है ऋणायनी अपमार्जक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो एल्किल बेंजीन सल्फोनेट होता है या एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को क्षार के द्वारा उदासीन कराया जा सकता है। तो यहाँ पर एल्किल बेंजीन सल्फोनिक अम्ल है तो अम्ली कैरेक्टर हो गया उसमें, और क्षार के साथ मिला करके उसको उदासीन करा दिया जाता है। तो यहाँ पर ऋणायनी डिटर्जेंट जब बनाया जाता है तो इस तरह की विधि का उदासीनीकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम इसके रिएक्शन को भी समझ लेंगे कि CH3CH2 होल 10 है, CH3CH2 होल 10, CH2OH ये एक अल्कोहल हो गया, उच्चतर कार्बन श्रृंखला वाला एक अल्कोहल हो गया, इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई गई, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराने पर CH3CH2 होल 10 CH2O SO3H बना। NaOH से जो है क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो CH3CH2 होल 10 CH2O SO3 Na, यानी यहाँ पर SO3 Na, तो SO3 के ऊपर माइनस चार्ज Na+, तो यहाँ पर बनता है सोडियम लोराइल सल्फेट। तो ये जो सोडियम लोराइल सल्फेट बना ये बना है लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट से, यानी जो सेकेंड स्टेप में बना था H2SO4 के साथ जब क्रिया हुई उच्चतर जो श्रृंखला वाले अल्कोहल की, तो यहाँ पर पहले बना लोराइल हाइड्रोजन सल्फेट, और जब इसकी क्षार से क्रिया कराई गई तो सोडियम लोराइल सल्फेट यानी उसी का एक लवण बन गया।
इसी तरह का एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें बेंजीन रिंग है। तो यहाँ देखिए CH3CH2 होल 11 है, फिर बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है। तो ये भी एक श्रृंखला है जो R प्रतिस्थापित हो गई, हाइड्रोकार्बन की एक लंबी श्रृंखला हो गई। इसकी क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराए तो बना CH3CH2 होल 11 S, फिर बेंजीन रिंग SO3H ये बना। और इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराते हैं तो इसका एक सोडियम लवण बना, तो इसका नाम हो गया सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। तो ये जो सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट बना, आप यहाँ पे देखिए कार्बन परमाणु की संख्या जो है वो 12 है, इसलिए इसका नाम डोडेसिल है। तो CH3CH2 होल 11 बेंजीन रिंग फिर SO3Na, तो इस तरह बना सोडियम डोडेसिल बेंजीन सल्फोनेट। तो इसमें जब ऋणायनी डिटर्जेंट कार्य करता है तो ऋणायनी डिटर्जेंट का जो ऋणायनी पार्ट होता है वो इसके शोधन अभिक्रिया में भाग लेता है, और एल्किल बेंजीन सल्फोनेट का जो सोडियम लवण है वो ऋणायनी डिटर्जेंटों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, या पूरा ग्रुप जो है वो इन्हीं का बना हुआ होता है। यानी एल्किल बेंजीन सल्फोनेट का जो सोडियम सॉल्ट होता है इसी तरह के ग्रुप वाले जो है वो ऋणायनी डिटर्जेंट के अंतर्गत आते हैं। प्रायः जो ऋणायनी डिटर्जेंट है इनका प्रयोग दांत मांजने में या दंत मंजन में इसका प्रयोग करते हैं, घरेलू कई सारे उपयोग हैं उनमें यहाँ पर इसका ऋणायनी डिटर्जेंटों का प्रयोग किया जाता है। अब हम धनायनी डिटर्जेंटों के बारे में जानेंगे। धनायनी डिटर्जेंटों का जो नाम है वो इन्वर्ट सोप के रूप में भी ये जाना जाता है। इस प्रकार का जो डिटर्जेंट है जब इसे बनाया जाता है तो इसमें जो जल में घुलनशील जो इसका सिरा होता है वो धनात्मक पार्ट होता है। यानी जैसा हमने ऋणायनी में देखा था कि उसका जो ऋणायनी पार्ट होता है वो शोधन में सहायक होता है, इसका जो धनात्मक पार्ट होता है ये शोधन में सहायक होता है। यानी जल में घुलने वाला जो सिरा है डिटर्जेंट का वो इसका धनात्मक पार्ट होता है। तो ये एक बहुत अच्छा क्लिनजिंग वाहक होता है इसका जो धनात्मक पार्ट है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो धनायनी डिटर्जेंट होते हैं प्रायः इस जर्मिसाइडल गुण होते हैं, यानी ये सूक्ष्म जीवों को मारने का गुण रखते हैं। ये अपमार्जक जो है एमिनो के एसीटेट हो सकते हैं, क्लोराइड हो सकते हैं, ब्रोमाइड हो सकते हैं, इस तरह के ऋणायनों के साथ बने हुए चतुष्क लवण होते हैं यानी क्वार्टरनरी सॉल्ट होते हैं। धनायनी जो डिटर्जेंट होते हैं ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जो होती है, लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है इसमें नाइट्रोजन अणु पर एक धनावेश होता है, और ये जो धनावेश होता है इसी वजह से इसका नाम पड़ा है धनायनी अपमार्जक। तो यहाँ पर जैसा हमने देखा कि जो धनायनी अपमार्जक है उसमें एक सॉल्ट बनता है, क्वार्टरनरी सॉल्ट बनता है। जो क्वार्टरनरी सॉल्ट बना उसका एग्जाम्पल है सेटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। तो ये जो सेटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड है इसका जो स्ट्रक्चर है वो है CH3CH2 होल 15। इसके बाद हम देख रहे हैं नाइट्रोजन केंद्रीय परमाणु के रूप में है, फिर इसके ऊपर एक CH3, नीचे एक CH3 और इधर एक CH3, और N के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा और Br माइनस। तो यहाँ पर यदि हम अमोनियम ब्रोमाइड का क्वार्टरनरी सॉल्ट ले रहे हैं तो ब्रोमाइड होगा, यदि हम Cl का क्वार्टरनरी सॉल्ट लेंगे तो क्लोराइड होगा। तो ये जो सेटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड होता है ये बहुत ही प्रचलित एक धनायनी डिटर्जेंट होता है, कैटायनिक डिटर्जेंट होता है। प्रायः इसका प्रयोग जो है वो हेयर कंडीशनर में किया जाता है, हेयर कंडीशनर को बनाने के लिए इस तरह के सेटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। इसमें जर्मिसाइडल प्रॉपर्टी भी होती है, जीवाणुनाशक गुण भी होता है इसके अंदर, लेकिन ये देखा गया है कि इस तरह के जो धनायनी डिटर्जेंट होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं, तो इस वजह से इसका जो प्रयोग है थोड़ा सा सीमित होता है। अब हम देखेंगे नॉन आयनिक अपमार्जक की। तो धनायनी डिटर्जेंट में हमने देखा धन आवेश होता है नाइट्रोजन के ऊपर, ऋणायनी में हमने देखा कि SO3Na है तो SO3 पे माइनस चार्ज है। तो यहाँ पर हम देखेंगे नॉन आयनिक अपमार्जक उन दोनों से थोड़ा अलग होगा, इसमें किसी भी प्रकार का कोई आयन नहीं होगा। तो इसमें जो ध्रुवीय सहसंयोजक युक्त जो अपमार्जक होते हैं वो प्रायः देखा गया है कि नॉन आयनिक होते हैं और ये जल में घुलनशील भी होते हैं। तो एग्जांपल में हम देखेंगे पेंटा एरिथ्रोसॉल पामिटेट। तो पेंटा एरिथ्रोसॉल पामिटेट है तो ये बनता कैसे है, इसको बनाने के लिए स्टेरिक अम्ल और पॉलीथीन ग्लाइकॉल इन दोनों का प्रयोग कराया जाता है।
इससे बनता है पेंटा एरिथ्रोसोल परमिटेट। तो इसका सूत्र हम देखेंगे, जैसे अगर हम स्टेरिक अम्ल के स्ट्रक्चर को पूरा खोल के बनाते हैं तो ये बनेगा CH3CH2 होल 16 COOH प्लस पॉलीथीन ग्लाइकॉल का जो फॉर्मूला होगा OH, फिर CH2CH2O होल N है। जो एथिलीन ग्लाइकॉल होता है उसका फॉर्मूला CH2OH CH2OH होता है, यहाँ हम ले रहे हैं पॉलीथीन ग्लाइकॉल, तो इसलिए CH2CH2O उसका होल N ले रहे हैं। और इसके बाद इसका लंबा चेन लेने के बाद CH2CH2OH, तो CH2CH2OH से ये पूरा जो चेन है वो क्लोज हो गया, तो यहाँ बना पॉलीथीन ग्लाइकॉल। इसमें से जल काणु निकला यानी COOH में से OH, और ये जो पॉलीथीन ग्लाइकॉल है उसका H, इन दोनों की क्रिया से H2O बाहर निकल गया और पूरे को हम जोड़ देते हैं, तो यहाँ बनेगा CH3CH2 होल 16 COO, जैसा है वैसा ही जोड़ दे रहे हैं, CH2CH2O होल N, फिर CH2CH2OH। और इसका प्रयोग जो है वो बर्तन धोने में उपयोग में आने वाले जो लिक्विड डिटर्जेंट्स होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है।